मुंबई की सड़कों पर भटकते मजदूर इस बात की गवाही देते हैं कि फिर एक बार कोरोना जैसी महामारी ने लॉकडाउन के चलते मजदूरों को मुंबई में फिर मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी का डर है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते इन मजदूरों को भूखमरी का भी डर सता रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस के चलते भागती दौड़ती मुंबई को फिर एक बार मानो थमा कर रख दिया। मुंबई में फिर से धीरे धीरे लॉकडाउन होने लगा और इन गरीब मजदूरों को पेट का डर सताने लगा। जैसे ही मुंबई में कामकाज थम सा गया, वैसे ही मानो मुंबई में मजदूर फिर एक बार सड़कों पर दिखने लगे और अपने गांव की तरफ पलायन करते नजर आने लगे हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है, जहां पर हजारों मजदूर रोजाना इसी तरह फिर एक बार मुंबई से अपनी गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। इन मजदूरों का मुंबई छोड़ गांव जाने का मकसद यह है कि मुंबई में लॉकडाउन के चलते बंद पड़े कामकाज ने इन मजदूरों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ये मुंबई में रुकेंगे तो इनका पेट कैसे भरा जाएगा। ये मुंबई के वो मजदूर हैं जो मुंबई में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करके रोज कमा कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते बंद पड़े कामकाज ने इन मजदूरों के पेट पे मानो लात मार दिया हो। देखें इम्तियाज शेख, न्यूज़ प्लस संवाददाता की ये रिपोर्ट।